हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे क्रूस के कारण हमें आजादी मिली है, उद्धार मिला है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे कुर्बानी के द्वारा हम शुद्ध हो चुके हैं, हम धार्मिक ठहराए गए हैं। हम इन सब आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु हमें आवश्यक कर था कि हम तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें। धन्यवाद दोस्तों, यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन।
Thank you.
हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और एक सुंदर दिन प्रभु ने हमें दिया है ताकि हम वचन में जाए, आई हम प्रभु के वचन में जाएंगे। आज मेरा मैसेज का टाइटल है विश्वास से धार्मिक ठहराए गए। विश्वास से धार्मिक ठहराए गए, और ये लिखा है रोमियो की किताब 5:1 ए पाठ हम पढ़ेंगे। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। विश्वास से हम धर्मी ठहराए गए, हालेलुया। तो आज हमारा टॉपिक है धर्मी ठहराया जाना। अभी ये धर्मी ठहराया जाना ये क्या है? ये परमेश्वर का एक तोहफा है, एक आशीर्वाद है, एक गिफ्ट है। और किधर से आती है? यीशु के कुर्बानी के द्वारा, उद्धार के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, जो यीशु मसीह के द्वारा आ जाता है, इसके कारण हम धार्मिक ठहराए जाते हैं। वचन में जाने से पहले आए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु हमें मदद कर, जैसे हम तेरे वचन के ऊपर मनन करेंगे और जैसा कि लिखा है विश्वास से धार्मिक ठहराए गए, प्रभु हमें बुद्धि दे और इस वचन के बारे में और हमें जानकारी दीजिए तेरी आत्मा के द्वारा, वचनों के द्वारा। प्रभु यीशु तेरे नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन, हालेलुया। अभी धार्मिक ठहराए जाना उसको हम अलग वर्ड्स में बताएंगे। एक है धार्मिक ठहराना यानी निर्दोष साबित करना, उर्दू में हम कहते हैं बेगुनाह ठहराना, मराठी में हम कहते हैं नीतिमान ठहरवे गेले, हालेलुया। तो इसका मतलब यानी परमेश्वर साबित करता है कि अभी आप क्लियर हो, आपके ऊपर कोई दोष नहीं है, दोष से मुक्त और हम धार्मिक हो गए हैं। यानी जैसा जज साहब एक व्यक्ति को कहता है अब मेरे नजरों में अब धार्मिक हो चुके हैं और अभी आपका केस बंद हुआ है, अभी मैं आपको स्वीकार कर सकता हूं। अब हम धार्मिक कैसे हो सकते हैं, हम कैसे धार्मिक ठहराए जा सकते हैं? दो तरह से, सिर्फ दो रास्ते हैं जिससे हम यानी मनुष्य अपने आप को धार्मिक कर सकते हैं। एक है खुद के कर्मों से, खुद के मेहनत से, परिश्रम से, खुद की अच्छाई से, कर्मों से, अपने आप को शुद्ध करके, व्यक्तिगत धार्मिकता में चल के, बिना परमेश्वर के मदद से, खुद के धार्मिकता यानी 100% मूसा का नियम को परिपूर्ण करने से हम अपने आप को धार्मिक करने का हम प्रयत्न कर सकते हैं परमेश्वर के सामने। दूसरा चीज, हम अपने आप को धार्मिक परमेश्वर के नजरों में कैसे कर सकते हैं? केवल विश्वास से। और एक तरीका है, सिर्फ भरोसा करते हुए परमेश्वर का दिया हुआ अनुग्रह को स्वीकार करने के बाद हम धार्मिक हो सकते हैं। जो मुफ्त में उन्होंने अनुग्रह का वरदान सुसमाचार हमें दिया है उसको ग्रहण करके हम परमेश्वर के नजरों में धार्मिक हो सकते हैं। धार्मिक होना परमेश्वर के सामने, ये समझने के लिए सबसे पहले हम मनुष्य की स्थिति समझना चाहिए। पवित्र परमेश्वर के सामने मनुष्य का क्या स्टैंड, क्या पोजीशन है, क्या स्थान है, ये जानना बहुत जरूरी है। मनुष्य ने पाप किया है, हम सब पापी हैं, और मनुष्य पापी इसलिए नहीं है क्योंकि वो पाप करता है। मनुष्य पापी क्यों है? क्योंकि वो पाप में पैदा हुआ है, पाप लेके वो पैदा हुआ है। आदम ने एक ही पाप किया
और वो एक पाप के कारण वो पाप की स्थिति में फंस गया, पाप के कंडीशन में गया। अभी ये कंडीशन को हम लोग वापस रिवर्स नहीं कर सकते। पाप मनुष्यता के शरीर में आ गई। तो बाइबल में लिखा है कि हम सभी ने पाप किया है और हम सब परमेश्वर के महिमा से या पवित्रता से वंचित है। आदमी पाप क्यों क्यों पापी क्यों है? आदम के कारण, आदम के पाप के कारण हम पापी क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर पाप की स्वभाव है। हम पापी क्यों है? हमारे कृत्य के कारण, हमारे निर्णय के कारण हम पापी क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पापी है, कुलम कुला कहता है कि हम पापी है। परमेश्वर इस जगत में पाप आने दिया, पाप को रोका नहीं, पाप से प्रेम नहीं करता था, उसका इच्छा नहीं था कि ये पूरी पृथ्वी बिगड़ जाए पाप के कारण, लेकिन उन्होंने रोका नहीं, पाप को आने दिया। और क्यों था कि उस परिस्थिति में परमेश्वर अपना दूसरा स्वभाव जो किसी को पता नहीं था सब लोग देख सके, क्या? अनुग्रह दिखाने का स्वभाव। परमेश्वर अनुग्रहकारी है। जब आदमी पाप में गिरा तब परमेश्वर को एक मौका मिला था कि वो पूरे मनुष्य जाति को अपने और एक रूप बताए, अपने और एक स्वभाव बताए। कौन सा स्वभाव? क्षमा करने का या अनुग्रह का, अनुग्रहकारी स्वभाव बताए। बाइबल में लिखा है जैसा पाप बढ़ते गया परमेश्वर का अनुग्रह भी बढ़ते गया। आइए हम रोमियो की किताब पढ़ेंगे, 5:20-21। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। आमीन। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम क्या हो सकते हैं? धर्मी ठहराए जा सकते हैं। तो जैसा आप भी बढ़ गया परमेश्वर ने अनुग्रह दिखाया। ये है परमेश्वर का सलाह, पाप है ठीक है, तो अब मैं क्या दिखाऊंगा आपको? अनुग्रह। ये लो अनुग्रह का प्रकटीकरण। अब हम देखते हैं कि आदम से लेके यीशु तक सबके अंदर, सब लोगों के अंदर ये पुकार था कि हम परमेश्वर के सामने धार्मिक कैसे हो सकते हैं, कैसे ठहराए जा सकते हैं, धार्मिक कैसे ठहराए जा सकते हैं। और सबके अंदर, सबके हृदय में ये इच्छा थी। बहुत से लोग धार्मिकता के तलाश में हैं कि किस तरह हम परमेश्वर के सामने धार्मिक हो सकते हैं। बहुत से लोग जो परमेश्वर का दिया हुआ धार्मिकता के विरोध जाते हैं। बहुत थोड़े लोगों को परमेश्वर का दिया हुआ धार्मिकता का प्रकटीकरण मिलता है, बहुत थोड़े लोग उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है बहुत थोड़े लोग उनको ढूंढ कर पाते हैं। मत्ते का 7:14 Matthew 7:14b और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, यानी जीवन का मार्ग पाते हैं। विश्वास से धार्मिक ठहराया जाना यानी जीवन का मार्ग पाना। अब ये जो धार्मिक ठहराया जाना ये सुसमाचार का बहुत गहरा विषय है, बहुत गहरा विषय है। ये परमेश्वर के ओर से आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यीशु मसीह के द्वारा आता है। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर एक
पापी को धार्मिक कैसा ठहरा सकता है? उन्होंने पाप किया, उसका पाप का क्या होगा, उसको कैसा अपना सकता है? और उस अधर्मी आदमी को वो धार्मिक कैसा स्वीकार कर सकता है, किस तरह से वो स्वीकार कर सकता है, क्या तरीका है? वो तरीका है यीशु के द्वारा, केवल यीशु के द्वारा, यीशु के मृत्यु के द्वारा। वो हमारे बदले में क्रूस पर मरे, उसके क्रूस की कुर्बानी के द्वारा उन्होंने पाप का दंड भर दिया और नियम में जो कुछ शर्तें थे उनको क्या किया, पूरा किया। उन्होंने क्या किया, परमेश्वर का जो धार्मिक न्याय को उन्होंने क्या किया, परिपूर्ण किया, धार्मिक होके वो परिपूर्ण किया। इसलिए लिखा है यीशु के बारे में, जगत का मेमना, परमेश्वर का मेमना, जो जगत के पाप को क्या करता है, उठा लिए जाता है। आइए हम यशायाह की किताब पढ़ेंगे 53 और पांचवा वचन हम पढ़ेंगे, यशायाह 53:5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। तो यहाँ लिखा है अपराध हमारे पापों के लिए, अधर्मिकता के लिए उनके ऊपर ताड़ना गई, हमारा शांति का रिश्ता के लिए यीशु के ऊपर डंड गिर गई, शिक्षा गिरी, और उस उन्होंने दंड लिया, इसीलिए हमारा रिश्ते में चंगाई हो गया। तो अभी ये जो चंगाई, रिश्ते के चंगाई के बारे में बात कर रहा है। 11 वचन हम देखेंगे, बी पार्ट, तो यीशु के बारे में कुछ लिखा है, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। अधर्म कामों का वो क्या करेगा, खुद उठा लेगा। तो उन्होंने हमारे अधर्म का दंड उन्होंने क्रूस पर भर दिया। 12 वचन हम पढ़ेंगे, बी पार्ट, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों का पाप का बोझ उठा लिया। पापों का बोझ उन्होंने क्या किया, उठा लिया। तो ये सब वचन हमें क्या बताती है, कि यीशु हमारे पापों का दंड भर दिया था कि हम परमेश्वर के सामने क्या हो जाए, क्षमा पाए और धार्मिक हो जाए। आइए हम और एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा कोरिंथी 5वां अध्याय और 21, सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम परमेश्वर के धार्मिकता हो गई, या हम परमेश्वर की नजरों में धार्मिक हो जाए। यीशु के क्रूस के कारण और हमारे विश्वास के कारण अब हम परमेश्वर के नजरों में धार्मिक हो चुके हैं। हमारे कृत्य या हमारे चाल चलन के कारण नहीं, केवल हमारे विश्वास के कारण। और एक वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो का 5वां अध्याय 18:20 से हम पढ़ेंगे, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। एक व्यक्ति के धार्मिकता के कारण अभी हमको जीवन का धार्मिकता मिला है, जीवन भर की धार्मिकता। आइए हम और एक वचन पढ़ेंगे, 19वां वचन, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। बहुत लोग धर्मी ठहराए जाएंगे, हालेलुया, यीशु मसीह के कारण। ये व्यक्ति कौन है, प्रभु यीशु के कारण। तो अभी हमने ये सारे वचन देखे हैं कि यीशु के कारण ही हम क्या हो सकते हैं,
धार्मिक ठहराए जा सकते हैं, और ये धार्मिकता हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए जो विश्वास करते हैं। अब धार्मिक ठहराए जाने के लिए ये तीन विषय है वो जो बहुत महत्वपूर्ण है, और हम तीन चीज याद रखना चाहिए। धार्मिकता, जब हम धार्मिक हो जाते हैं तो तीन बातें होते हैं। सबसे पहले धार्मिकता पाना यानी क्षमा पाना, परमेश्वर की ओर से क्या पाना, क्षमा पाना। धार्मिक ठहराना का मतलब और एक है, दूसरा चीज है कि धार्मिकता का छाप हमें मिलती है परमेश्वर के ओर से, न केवल क्षमा लेकिन एक धार्मिकता का छाप। तीसरे चीज क्या होता है, परमेश्वर के सामने हम सही स्थान में आते हैं। पहले हम दंड के स्थान पे थे, हम उनके दुश्मन थे, अब क्योंकि हमने विश्वास किया है अभी हम सही स्थान में आ जाते हैं, सौभाग्यता के स्थान में आ जाते हैं। तो तीन चीज हम देखेंगे। सबसे पहले धार्मिक ठहराना यानी हमने क्षमा पाया है, दूसरा हमें धार्मिकता की छाप मिली है, और तीसरा हम सही स्थान में आए हैं ताकि हम उसके साथ क्या करें, सहभागिता करें। अभी मैं एक कहानी आपको बताना चाहूंगा कि ये घूम रहा लड़का जो उसके पिता से दूर गया, पाप में गया, वैशा के कामों में, दोस्तों के साथ, बाद में उस पाप में उसका जीवन एकदम गिर गया। तो उन्होंने सोचा कि मैं वापस मेरे पिता के पास जाऊंगा और मैं क्षमा मांगूंगा। ओके, तो उन्होंने ये निर्णय किया, घूम रहा लड़का, और ये लुका के 15 अध्याय में लिखा है। और जब उन्होंने निर्णय किया कि अभी मैं पिता के पास जाऊंगा, उसको ये पता नहीं था कि क्या मुझे सचमुच क्षमा मिलेगी। उसको ये पता नहीं था कि अगर क्षमा मिलेगा तो भी मैं उधर क्या करूंगा, मैं गंदे कपड़े में शायद घर के बाहर काम करना पड़ेगा मुझे। तीसरा, उसको ये पता नहीं था कि अब मेरे हाथों से सब जो हक है वो तो चला गया, अभी मैं वारिस नहीं हूं, क्योंकि मैंने आज्ञा भंग किया, मैंने मेरा पिता का नियम तोड़ दिया, तो अभी मेरे पास कुछ हक ही नहीं है। तो जब वो जा रहा था उसको पता था शायद क्षमा मिल सकती है, मिलेगा तो भी बाकी के जो हक है वो तो सब चला गया। अभी हम देखेंगे कि धर्मी ठहराए जाना यानी उसमें हमको क्या क्या मिलती है, मिल जाता है, वो जानना बहुत जरूरी है। और ये घूम रहा लड़का का एक उदाहरण, कहानी का उदाहरण हम देखेंगे और उससे हम कुछ सीखेंगे। जब घूम रहा लड़का वापस आया तो तीन चीज हो गए, पिता ने तीन चीज किए। आए हम वो पढ़ेंगे लुका का 15 अध्याय 20 से लेके 24 तक, लुक चैप्टर 15:20-24। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, जट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। Amen. और वे आनंद करने लगे। तो हम देखते हैं कि तीन चीज हो गए, तीन बातें हो गए जब वो गुमराह लड़का वापस आया। सबसे पहले पिता जाकर उनको गले लगाया, उसको बहुत चुमा, इसका मतलब क्षमा। यह हम देखते हैं कि हमें क्षमा मिलती है।
दूसरा उन्होंने कहा अच्छा वस्त्र डालो और एक रिंग डालो उसके उंगली में और उसके पैरों में जूते, यानी कुछ मिलता है हमें, दूसरा चीज। और तीसरी चीज है कि वो पिता ने कहा आई हम वापस सौभाग्यता करें, अब हम दुश्मन नहीं है, आए हम सौभाग्यता के स्थान में आए। तीसरा चीज है सही स्थान में आना। तो ये हम ये तीन चीज को देखेंगे। सबसे पहले धार्मिक ठहराना, यानी धार्मिक ठहराना यानी क्षमा पाना। अब परमेश्वर हमें ऐसा ही नहीं क्षमा करता है। अगर वो ऐसा ही सबको क्षमा करेगा तो उसको उनका न्याय यानी धार्मिक न्याय को फेंक देना पड़ेगा। लेकिन जब वो क्षमा करता है वो ये बंदोबस्त करता है कि क्षमा देने से पहले पहला मेरा धार्मिक न्याय परिपूर्ण होना जरूरी है, और वही वो सुविधा करता है। उन्होंने यीशु मसीह को भेजा था कि यीशु पापियों का दंड, जो दोषी पापी है उनका दंड अपने ऊपर ले सके, वो हम सब के लिए क्रूस पर मरे और जी उठे, ताकि हमको क्या मिले, परमेश्वर का क्षमा मिले। क्योंकि यीशु क्रूस पर मरा इसी कारण अब परमेश्वर क्षमा कर सकता है। बिना क्रूस के द्वारा परमेश्वर क्षमा भी नहीं कर सकता था। यूहन्ना का 3:16 में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उनका नाश न हो जाए परंतु अनंत जीवन पाए। हमारे एक वचन देखेंगे रोमियो का 5वां अध्याय 6-8। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे तब प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा। अब परमेश्वर को क्षमा देने से पहले ये जरूरी था कि पाप का दंड कोई भरे। तो बिना पाप के दंड भरने से वो क्षमा भी नहीं कर सकता। अब परमेश्वर क्षमा क्यों कर सकता है? क्योंकि किसी ने, एक व्यक्ति ने जिसका नाम है प्रभु यीशु, उन्होंने क्या किया, पाप का दंड पूर्ण तरीके से भर दिया। इसीलिए अब धार्मिक परमेश्वर क्षमा कर सकता है सबको। रोमियो का 3:24-25। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। परमेश्वर हमारा उनका धार्मिकता प्रकट करता है। वो कहता है कि देखो जो लोग पुराने काल में जो पाप किए थे उनको मैं अब क्षमा कर सकता हूं यीशु मसीह के कारण। उन्होंने यीशु मसीह को आगे रखा है ताकि यीशु मसीह के कुर्बानी के कारण न केवल हम जो इस युग में रहते हैं हमारा क्षमा हो जाए, वो लोग जो पीछे भूतकाल में थे उनको भी वो क्षमा कर सकता है। इसे क्या साबित होता है कि परमेश्वर बिना कुर्बानी के द्वारा न्याय के दंड परिपूर्ण होते बिना वो किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता था। तो इसीलिए क्रूस की कुर्बानी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ क्रूस की कुर्बानी के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा पूरे दुनिया को क्षमा मिल सकता है। जो विश्वास करते हैं उनको क्या मिल सकता है, क्षमा मिल सकता है। क्योंकि परमेश्वर का
न्याय का डर अब यीशु के ऊपर गिर गया है, धार्मिक न्याय भी परिपूर्ण हुआ है, अब वो फ्रीली सबको क्षमा कर सकता है। जो व्यक्ति आता है पश्चाताप करता है उनको वो क्षमा कर सकता है। परमेश्वर क्षमा इसलिए नहीं करता है कि उसके अंदर दया है, परमेश्वर क्षमा इसलिए करता है क्योंकि यीशु ने पाप का दंड भर दिया है। क्योंकि पाप का दंड भर दिया है इसीलिए परमेश्वर अब उनके दया दिखा सकता है, अनुग्रह दिखा सकता है, क्योंकि हमारे बदले में यीशु क्रूस पर मरा, यीशु हमारा दंड अपने ऊपर ले लिया, तो हमें क्षमा मिला है यीशु के कारण। तो ये है क्षमा के बारे में। धार्मिक ठहराया जाना यानी क्षमा पाना, धार्मिक ठहराया जाना। और एक चीज है, परमेश्वर का धार्मिकता हमें मिलता है या हमें धार्मिकता की छाप मिलती है, यानी हम गिने गए, हम धार्मिक गिने गए, हमारे ऊपर परमेश्वर का धार्मिकता आ जाती है। अब मैं ये कैसा एक्सप्लेन कर सकता हूं, जब आदम ने पाप किया उस पाप के कारण न केवल वो पापी हो गया, सब जो उनके बच्चे जो उनके द्वारा आ गए, हम सब भी पापी स्वभाव लेकर जन्मे हैं। तो जो आदम का पाप था हम सब भी के ऊपर आ गए, और आदम ने उनका पाप सारे पीढ़ी के ऊपर उन्होंने डाल दिया। अभी यीशु में क्या होता है, जो पाप आदम ने इस दुनिया में लाया वो पाप यीशु अपने ऊपर ले लिया, न केवल आदम का पाप, सारे मनुष्य जाति का पाप उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर ले लिया, अपने अकाउंट में ले लिया, और वो क्रूस पर मरा, पापों का दंड भर दिया, हमारे लिए दुख सहा, और पापों का दंड भरने के बाद अब उन्होंने हमें परमेश्वर के नजरों में धार्मिक बनाया। जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरे, पापों का दंड भर दिए, वो विश्वास देख के परमेश्वर हमें क्षमा करता है और कहता है अब आप मेरे नजरों में धार्मिक हो चुके हो। जो कोई यीशु पर विश्वास करते हैं उसके कुर्बानी के ऊपर, उस विश्वास को देख के परमेश्वर उनको क्या करता है, धार्मिक ठहराता है। अब यीशु की धार्मिकता हमारे ऊपर है, जैसे हम लोग ने पढ़े, हम लोग वापस पढ़ेंगे दूसरा कोरिंथी 5वां अध्याय 21, सेकंड कोरिंथियन चैप्टर 5 वर्स 21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यीशु में, जब हम यीशु में आते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं, हम परमेश्वर के सामने क्या हो जाते हैं, धार्मिक हो जाते हैं, यानी अब परमेश्वर हमको अलग नजर से देखते हैं। और परमेश्वर ने उनका नियम, उनके न्याय को नहीं थोड़ा, उन्होंने ये किया कि मेरा न्याय परिपूर्ण हो जाएगा, जो दंड लोगों के ऊपर गिरना था वो किसके ऊपर गिरा, यीशु के ऊपर। जब यीशु क्रूस पर गया सारे मनुष्य जाति का पाप का दंड उन्होंने क्रूस पर भर दिया। अब परमेश्वर हमारा विश्वास देखकर, जैसे हम यीशु को ग्रहण करते हैं उस विश्वास देखकर, वो कानूनी तौर से कहता है अब तुम मेरे नजरों में निर्दोष हो चुके हो, मुफ्त हो गए हो, आपके ऊपर कोई दंड नहीं है। धार्मिक ठहराना यानी परमेश्वर घोषित करता है कि आपने विश्वास किया है, उस विश्वास को देखकर अब मैं आपको धार्मिक ठहराता हूं, आप मेरे नजरों में धार्मिक हो चुके हो क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास किया है। धार्मिक ठहराना किसके ऊपर निर्भर है, यीशु के ऊपर, क्योंकि उन्होंने क्या किया, परमेश्वर का धार्मिक न्याय को परिपूर्ण किया। तो धार्मिक ठहराए जाने में हम तीन चीज देखते हैं परमेश्वर के ओर से।
सबसे पहले हमारा विश्वास देखकर परमेश्वर हमको वो परमेश्वर घोषित करता है, डिक्लेयर करता है कि तुम मेरे नजरों में धार्मिक हो चुके हो। दूसरा, परमेश्वर हमारा विश्वास देखो हमको इस नजर से देखता है कि अब से आप मेरे नजरों में, इस समय से आप मेरे नजरों में धार्मिक हो चुके हो। तीसरा चीज हम देखते हैं कि हमें धार्मिकता वो देता है, धार्मिकता का छाप। तो हम देखेंगे धार्मिकता में हम क्या देखते हैं। सबसे पहले परमेश्वर घोषित करते हैं कि हम धार्मिक हैं उसके नजरों में। परमेश्वर इस नजर से देखते हैं हमारे ओर कि हम उनके नजरों में धार्मिक हो चुके हैं। तीसरी चीज है, परमेश्वर हमको धार्मिकता देता है, हमको धार्मिकता का छाप, यानी ये एक परमेश्वर का देन है। दो चीज हमने देखी है, धार्मिक ठहराया जाना यानी परमेश्वर से क्षमा पाना। दूसरा हम देखते हैं हमको धार्मिकता की छाप मिली है। तीसरा चीज हम देखते हैं जब हम धार्मिक हो जाते हैं, धार्मिक ठहराए जाते हैं, हम परमेश्वर के सामने सही स्थान में आते हैं। परमेश्वर हमको सही स्थान में ले आता है। तो हमें न केवल क्षमा मिला है, परमेश्वर ने घोषणा किया है कि हम धार्मिक हो चुके हैं, परमेश्वर हमको सही स्थान में भी ले आता है। पहला हमारा स्थान बहुत गड़बड़ में था, हम दुश्मन के स्थान में थे, हम परमेश्वर के विरोधी थे, हम न्याय के दंड के स्थान पे थे। लेकिन अब यीशु के कारण हम उस गलत स्थान से उठाए गए हैं, अभी हम सही स्थान में आ गए हैं। परमेश्वर ने हमको क्या किया, सही स्थान में ले आया है। अब हम दुश्मन नहीं है, अभी हम परमेश्वर के दोस्त हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हो गए यीशु के कारण। हम वापस जो आदम ने खो दिया था, हम अच्छे स्थान में आए हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो लड़का था वो घूम रहा था, लेकिन जब वो वापस आया, पिताजी ने क्या किया, उसको सही स्थान में ले आया, वापस टेबल पे लाया, ताकि वो पिता के साथ क्या करे, सब आगेता करे। यानी जब हम धार्मिक हो जाते हैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर हमको सही स्थान में ले आता है, जहाँ परमेश्वर का अनुग्रह और छाया है हमारे ऊपर। जो कुछ हम आदम में खो गए थे, अब यीशु के कारण हमको सब कुछ मिलता है वापस। हम परमेश्वर की उपस्थिति में न डरते हुए, न कांपते हुए हम आ सकते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे तरफ देखता है, वो हमको यीशु के द्वारा देखता है, यीशु के थ्रू देखता है, और वो कहता है अब मैंने आपको अपनाया है, आप मेरे बच्चे हो गए। बाइबल में लिखा है जो जिन्होंने उनको स्वीकारा है, उनको परमेश्वर का पुत्र होने का, बच्चे होने का या संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो आज हमने सीखे है धार्मिक ठहराए जाना। हम कृत्य से धार्मिक नहीं हो सकते, हमारे खुद के चाल चलन से हम धार्मिक नहीं हो सकते, हम मूसा के नियम से धार्मिक नहीं हो सकते हैं। धार्मिकता पाने के लिए परमेश्वर हमें मदद करता है। हम अनुग्रह से धार्मिक हो सकते हैं, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर के नजरों में धार्मिक हो सकते हैं। हम मुफ्त में धार्मिक होते हैं, हम विश्वास से धार्मिक होते हैं, हम प्रभु यीशु के लहू से जो नया करार में हमें मिलती है धार्मिक होते हैं। धार्मिक परमेश्वर के सामने धार्मिक होने के लिए काफी समय नहीं लगता है, हम तुरंत हो जाते हैं। ये भी याद रखो कि हम जिस समय हम यीशु पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए क्रूस पर मरे, पापों का दंड भर दिए, पवित्र लहू बहाए, उस विश्वास को देख कर परमेश्वर हमको तुरंत धार्मिक ठहराता है, और बाद में वो हमारे जीवन में काम करता है और हमें धीरे धीरे शुद्ध करता है। लेकिन हम धार्मिक हो चुके हैं, एक क्रूस के बलिदान के द्वारा हम धार्मिक हो चुके हैं। हालेलुया। आज हम लोग ने क्या सीखी,
यीशु के कारण हमको क्षमा मिला है, अनंत काल क्षमा। यीशु के कारण हम धार्मिक हो चुके हैं परमेश्वर के नजरों में। यीशु के कारण हम सही स्थान में आए हैं, जिस स्थान में हम परमेश्वर के साथ न डरते हुए न कांपते हुए सहभागिता कर सकते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। अगर आपने यीशु को अपनाया नहीं तो अपना दिल खुला करो, कबूल करो कि हम पाप में जन्मे थे, हमारे ऊपर दंड थे, लेकिन प्रभु यीशु ने स्वर्ग छोड़कर वो नीचे आया, देह अवतार बन के नीचे आया, हमारे लिए पवित्र जीवन जिया, परमेश्वर का देह अवतार था, हमारे लिए क्रूस पर मरे, पापों का दंड भर दिए, जो शिक्षा आपके ऊपर गिरनी थी खुद के ऊपर ले ली, वो हमारे क्रूस पर मरे, हमारे जगह में मर के फिर से जी उठे, आज वो जीवित है। और वो कहता है अपना दिल खुला करो, मेरे कुर्बानी मुझ पर विश्वास करो, मेरे कुर्बानी पर विश्वास करो कि मैंने आपका पाप का दंड भर दिया है। वो विश्वास देख के परमेश्वर आपको धार्मिक ठहराएगा, आपको क्षमा करेगा, आपको धार्मिकता का छाप देगा। वो घोषित करेगा कि तुम मेरे नजरों में धार्मिक हो चुके हो, आपको उस नजर से देखेंगे कि आप धार्मिक हो गए हैं। हालेलुया, आप उनके बच्चे हो जाएंगे। अपना दिल खुला करो यीशु के द्वारा। और ये धार्मिकता का सत्य सिर्फ बाइबल में है, और ये सुसमाचार का एकदम अंदर का भाग है, बहुत महत्वपूर्ण धार्मिकता। बहुत से लोग तरस रहे थे, किसी को नहीं मिला, बहुत थोड़े लोगों को मिला। ये एक सत्य, एक रहस्य है जो बाइबल में छिपा हुआ है, जानना बहुत जरूरी है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये वचन सुने। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि यह धार्मिकता का प्रकटीकरण सत्य सब लोग समझे और उद्धार पाए। जो उद्धार पाए हैं इस धार्मिकता के सत्य लेकर, प्रभु और तेरे करीब आ जाए। प्रभु यीशु, आ मदद कर। प्रभु, तेरा आशीर्वाद सभी के ऊपर, सभी को आपके हाथ में हम सौंपते हैं, सबको तेरे करीब तेरे नजदीक रख। और जैसे हम सत्य, तेरे सत्य के बारे में वचन में पढ़ेंगे और हमें सिखा, प्रभु यीशु हमें मदद कर। हालेलुया, प्रभु का आशीर्वाद आपके जीवन में, आपके कामकाज में, आपके घरों में। आखिरी आशीर्वाद का प्रार्थना, अब परमेश्वर तेरा प्रेम, प्रभु यीशु तेरा अनुग्रह और पवित्र आत्मा तेरी सौभाग्यता हमारे साथ सदा के लिए रहे। आमेन एंड गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।